हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ। आई वेलकम यू एट फिजिक्स मेशर। इस वीडियो में हम लोग एक प्लेन मिरर डिजाइन करने जा रहे हैं। और प्लेन मिरर हमारा दीवार पे लगा होगा और हमें उसकी हाइट या उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी होंगी। और इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी 10th क्लास को याद करने जा रहे हैं। बेसिकली हम इसके अंदर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे और एक सदाबहार फॉर्मूला लगाएंगे। वो सदाबहार फॉर्मूला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए हमारा प्लेन मिरर डिजाइन किया जाए। ये सेकंड क्वेश्चन है प्लेन मिरर्स के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। अ बॉय 1.5 मीटर टॉल विद हिज आई लेवल एट 1.38 मीटर स्टैंड्स बिफोर अ मिरर फिक्स ऑन द वॉल। इंडिकेट बाय मीन्स ऑफ रे डायग्राम हाउ द मिरर शुड बी पोजिशनड so that he can view himself fully. What should be minimum length of mirror? अब हमारा जो दोस्त लड़का खड़ा है ना, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, लेकिन उसका जो आई लेवल है ना, दैट इज 1.38 मीटर। वेरी गुड। अब हम चाहते हैं कि वो लड़का अपनी पूरी बॉडी देख सके, मतलब वो अपने सिर के आखिरी बाल से लेके अपने पैरों तक देख सके। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट होगा, जब वो लड़का इस मिरर के लोअर मोस्ट पॉइंट को देखे, उसको अपने पैर दिखने चाहिए। उसी तरह जब वो इसके अपर मोस्ट पॉइंट को देखे, इसको उसको अपने सिर का आखिरी बाल भी दिखना चाहिए। ये है हमारी बेसिक कंडीशन, ये है हमारी प्रॉब्लम, ये है हमारी रिक्वायरमेंट। वेरी गुड। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है दोस्तों? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज रिमेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बात हमेशा याद रखनी है। तो अगर मैं इस चीज को सोचूं ना, अगर मैं नीचे देखूं, तो जरा ध्यान देना, और ये जो ट्रायंगल बनेंगे ना, ए डी एफ और ई एफ डी, ये सेम आने चाहिए। क्यों? और सेम क्यों आने चाहिए? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो जो ये डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। और ये कॉमन आ गई और ये 90 डिग्री आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। और ये जो दो ट्रायंगल हो गए ना, ये क्या बन गए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बन गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। देयरफॉर जो यहां पे, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है, ये कितना है? 1.38 मीटर। तो हमको मिरर कितना चाहिए? ए एफ तक। अगर मैं ए एफ तक का मिरर ले आऊं ना, वो मेरे को ए ई तक की विजिबिलिटी दे देगा, वो मुझे ए ई तक की विजिबिलिटी दे देगा। देयरफॉर ए एफ कितना होना चाहिए? क्योंकि अगर ये दो पार्ट इक्वल है, तो इसका हाफ कर दो, क्या आएगा? 0.69। क्या आ जाएगा? 0.69। वेरी गुड। उसी तरह अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को कंसीडर कर लूं, और इसके अंदर भी ना, पता है क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल रिमेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देयरफॉर ट्रायंगल जी ए बी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल जी सी बी। और ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे, जिसके चलते ए जी इक्वल टू जी सी आ जाएगा। वो ए जी इक्वल टू जी सी तो आ गया, मगर ए सी की हाइट कितनी थी? 0.12। ए सी की हाइट थी 0.12। अगर उसको मैं दो भाग में डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा? 0.06। वेरी गुड। मगर इसका मतलब है हमें मिरर उसके आई कॉन्टेक्ट से 0.06 ऊपर चाहिए, ताकि वो लड़का अपने सिर का आखिरी बाल देख सके। देयरफॉर अब हमारी टोटल हाइट कितनी चाहिए होगी? और पहले तो हम अगर नीचे का कंसिडर कर लें, उसके लिए चाहिए होगी 0.69 प्लस जो हमें ऊपर का हिस्सा देखना है, उसके लिए कितनी चाहिए होगी? 0.06। कितनी आ गई टोटल? 0.75। कितनी आ गई? 0.75। देयरफॉर टोटल हाइट कितनी आ गई दोस्तों? 0.75। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।